बट दे हैव आल्सो गॉन एंड सोल्ड माय सॉफ्टवेयर्स. तो दैट्स अ बैड पार्ट ऑफ इट. शायद गलती मेरी थी कि मैंने ज्यादा भरोसा रखा, बट दैट्स अ वेरी बैड पार्ट ऑफ इट. और उनका एक्सक्यूज था, मैडम मैं मेरे घर में अकेला कमाता हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को इतना सारा बड़ा किया, पढ़ा लिखा किया. मैंने कहा पढ़ा लिखा के बड़ा किया, चोरी करना सिखाया क्या कि तू जाकर सॉफ्टवेयर बेचेगा और डबल सैलरी में दूसरी कंपनी में कभी जॉब मिलेगी, वरना तेरे को ऐसे तो डबल सैलरी कोई देगा नहीं. सिंपल ना, यू आर सेलिंग माय सॉफ्टवेयर और मुझे एक्चुअली भरोसा है कि पूरे सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल एक जगह रखने की चाहिए. फिर मैंने वो सब स्टाइल जो भी फिर करना होता करता आती है, पर गिरता है, एक बार बेवकूफी करता है, बार बार बेवकूफी थोड़ी करेगा वो. सो कमिंग बैक टू व्हाट यू हैव टू रीजनेबल पार्ट वाज दैट ये बहुत सुपर प्रोजेक्ट था नहीं हैवी. तो व्हाट आई टोल्ड गवर्नमेंट कि मैं आपके सेंट्रलाइज्ड रिजर्वेशन करूंगी, दे आल्सो पेड मी फॉर द सॉफ्टवेयर एंड यू प्रमोट. अब गवर्नमेंट प्रमोशन क्या, उनके ब्रोशर्स, यू नो दैट पार्ट इज नॉट अ एग्जीबिशन, द ब्रोशर्स के पीछे चल दिया था फॉर ऑनलाइन बुकिंग reachgujarat.com. दिस वाज अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर गुजरात. अगर ये सक्सेसफुल होता तो मैं दूसरे स्टेट्स में भी करती. आई टाइड अप विद अराउंड एस 2000 प्रॉपर्टीज. द प्रॉपर्टीज एंड होटल गेस्ट हाउसेस रेस्टोरेंट होटल गेस्ट हाउसेस ये सब. नाउ द बेस्ट थिंग इज मेरे को 500 प्रॉपर्टीज में ऑनलाइन करती और मेरे को ऑर्डर्स ऑनलाइन आने चालू हो गए थैंक्स टू दैट टाइप. वरना अगर ऐसा टाइप मैं नहीं करती तो नोबडी वुड हैव नोन रीच गुजरात. ठीक है ना, because people go to Gujarat tourism, they don't come to reach Gujarat. When they check on Gujarat tourism ke piche niche reach Gujarat hai, that they used to come to reach Gujarat and no booking. So mera bookings to hote the, but problem kya hua ki 500 rupees ka guest house ho gaya, 10 rupees ke margin ka business hai, 50 rupees ka margin ka business hai. Ab main jab wo guest house wale ko phone karu ya main call center se phone kar ke bhai ye book hua hai aur aap please aake aap yahan book karo, to guest house wala aada wala ho jata hai, bola nahi hai room renovate ho raha hai ye wo, kyunki uska kya problem hota tha कि उसको तो अगर रिक्शा वाला लेकर आता है जो गेस्ट हाउस पे रिक्शा वाला नीचे लेके जाता है ना, जो स्टेशन से गेस्ट हाउस की बुकिंग रिक्शा वाला ही ले जाते कि चलो साहब ये अच्छा हाउस है आप यहाँ रह लो या ये अच्छी होटल है आप यहाँ रह लो, तो वो उनको रूम दे देते वेरी सिंपल. वो भी उनका भी अपनी जगह सही था. तो मुझे प्रॉब्लम क्या होने लगी कि मेरे को रूम नहीं. अब जिस आदमी ने बुक किया अलग से तरीके से किसी आदमी ने बुक किया तो उसको एचडी करो, तो आदमी तो पैसे से पहले गाली करो जी चालू करो कि तुमने मेरा पैसा नहीं दिया. जब हम बोले सर आपका क्रेडिट कार्ड अभी तक तुमने ऑथराइज नहीं किया है, वी आर वेरी सिंपल कि ऑथराइज करो ना तो ही हमारे में पैसे उतरे. जब अगर हम ऑथराइज करें, वो हम ऑथराइज करते नहीं, वो पहले बिलीव ना कर रहे, फिर अगर उसने बिलीव कर लिया है तो वो क्या कहते हैं, फिर हम उसको समझा कि ठीक है सर आपको दूसरा कोई तो चलो सोचता हूँ करके फोन रखते हुए, या फिर हमने बोला ठीक है मेरे को बताओ, फिर दूसरे दो गेस्ट हाउस को फोन करने का. इट वॉज अ वेरी मेसी साइकिल. कुछ सर 50 रुपए में से क्या खाने का क्या पीने का. एंड बीइंग इन दिस बिजनेस इतने सालों से खुद के बिजनेस क्रिएशन ऑफ वेल्थ हो नहीं रहा था, मार्जिन ही नहीं था, मैं खुद खाऊंगी क्या लोगों को खिलाऊंगी क्या. सो दैट इज द रीजन व्हाट आई सेड कि लेट मी फर्स्ट सी इफ आई कैन मेक, क्योंकि मेरे पास ये पोर्टल्स थे नहीं, ये कौन सा पोर्टल है वो मेक माय ट्रिप ट्रैवल गुरु दिस ऑफ वर्ल्ड आई नॉट स्टॉप इट क्योंकि अभी भी मेरे पास. एनीवन वांट्स टू आस्क क्वेश्चंस नाउ ऑगमेंटेड रियलिटी, आई मीन व्हाट सॉर्ट ऑफ बिजनेस यू आर इन ऑगमेंटेड रियलिटी. इट्स एन आईटी, इट्स अ बेसिकली आई नो आई हैव वर्क्ड ऑन ऑगमेंटेड रियलिटी एप्लीकेशन फॉर आईफोन. ठीक है मैम, या सो व्हाट्स योर क्वेश्चन दिस मैम. आई मीन you provide what sort of augmented reality mobile what app? We do we yes we provide an application which runs under this majorly obviously it will run on your mobile only. Majorly augmented reality works on mobile only. And we make custom made things, we don't make off the shelf things. I mean you have an application already, we make lots of applications. I said custom made, not off the shelf. Custom made in terms of let's say temperature. Temperature application ke liye jaise ki yahan pe ek simple register board. Augmented reality is the interface between a real world and a natural world. Virtual world and a real world, part of an interface which you can use it through with the help of your mobile right now. Six sense is something where you would not even require a mobile, so that's the difference to it. So ultimately with augmented reality, I'll just give an example. Okay, there's a big screen out here and I'm in a retail shop and I picked up 2-3 shirts and so I thought those things will be fit in there. मैं यहाँ खड़ी रहूँगी, मेरे खड़े रहने से मेरा बॉडी का पूरा मेजरमेंट, नॉट जस्ट माई फेस और माई फिगर और temperature. Of बाहर का मुझे टेम्परेचर जानना है तो विद माय मोबाइल फोन आई कैप्चर दैट पर्टिकुलर एरिया, सो जीपीएस के थ्रू वो पर्टिकुलर एरिया का कैप्चर होगा और जीपीएस के थ्रू कैप्चर
टेम्परेचर होगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चेक होगा, एंड जीपीआरएस के थ्रू पर्टिकुलर जो टेम्परेचर सर्वर है वहां पे जाएगा कि ये पर्टिकुलर सर्वर ये पर्टिकुलर एरिया में अभी क्या टेम्परेचर है. यू गेट माय पॉइंट? सो उससे आपको अभी पता चल जाएगा कि वहां उस एरिया में क्या टेम्परेचर है. सो अल्टीमेटली योर कंप्यूटर योर दैट द वे इट वर्क्स सिंपल वेरी सिंपल. योर मोबाइल इज एक्टिंग लाइक मोबाइल कैमरा इज एक्टिंग लाइक अ कैप्चरिंग थिंग. Then your mobile is acting, somewhat acting like a processor or a communication medium, which sends that particular communication to the servers, internet servers or web servers or whatever. The servers processes that information, and then that server again processes the information and gives it to the mobile, and that's what you can see in your browser. So this is what currently augmented reality. So the virtual and the real world are being mixed or lap overlap, and that's what augmented reality is. So that's that type of application. Yeah. And you get local customers for it. For web pages, they are difficult to find. No, web pages are not good. No, of course, see, that's good. I'm in this business for 15 years, 15, 16, 18 years. And still, I'm holding on to around 200 or 250 customers who are with me since the day I started my business. So, we retained our customers, simple like that. So, we are very clear. Customer to kahi bhi, koi bhi level pe jana nahi chahiye. Customer ke saath ego bhi nahi rakho, kuch bhi na ko, sorry sir, karo apna paisa nikal. How big is your team? See, we have, now what happened? A very good question. It was a very challenging thing. Once upon a time it happened, sir. But I think now there's the last question. Because people want to leave. So we have one more guy waiting for us. Who is that? You? Oh, I'm so sorry. You're there? Okay, I thought I was the last one. Sorry. Okay. The point about it was that the customer body. What happened then? Now being in this field, what you realize, okay, with your respective view again, guys, that 500 to 1000 rupees. So see, we have different teams working at different places. And yeah, we are not good in all the technologies. Very simple. Order jana nahi chahiye. Outsource kara do. Dusra bachche ki is naam kya hai. Zaruri to nahi har cheez mil jayegi, but my core team. My core team has to be in place. The reason why, agar core team, kyunki 80% kaam to coders hai, the being coders, you know, 80% kaam hota hai. Jo 20% kaam hota hai, wo jo core team karti hai, that is very important. So if you talk, I would right now say, around, let us say, we are also in the cloud computing, so my remote admins are working on that. You know, you don't require, so you know, part tickets are also working on that. So you know, if you talk in that way, I have around 300 to 400 people working. If I talk it in terms of people working here and there, because cloud computing are different team takes care. Augmented reality, my core team works here, and people out here at different places work here, depending on the applications. Jiski, like say, high-end graphic applications chahiye mere ko. So I cannot expect that certain things 3D rendering chahiye hoti hai, 3D stuff chahiye hota hai. So that I don't believe ki main usko yahan pe karaun, ki why invest in one necessarily in the technology again. You know, 3D stuff requires a lot of processing powers. And yeah, one thing, jo foreign companies ke saath kaam karte, it is very necessary that you should have all the software with, not pirated, you should buy it. So what I do, I can't go and do it. So what we do is we either use applications, So thanks, you know, you have to find out solution, guys. You cannot have people on a bench or you cannot put in money, so you find out solutions that how you can run your company in such a way that everybody else. You know. Thank you, guys.